Assalamualaikum everyone, this is me Sabah Umair and welcome back to my YouTube channel with another vlog. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और अब सुबह के बज रहे हैं जी 11, तो मैं जल्दी उठ गई थी आज, तो मैंने सोचा कि यार सबसे पहले अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ आज, क्योंकि व्लॉग के अंदर कोई छुट्टी नहीं. तो क्योंकि मैं वीक में मैक्सिमम 2 से 3 व्लॉग अपडेट कर देती हूँ, तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम भी था. तो आज हम लोग डेली बेसिस पे बंदा नाश्ता कर करके ना थक जाता है, समटाइम समझ ही नहीं आती कि बंदा क्या नाश्ता करे, बच्चों को क्या करे. तो आज मैंने सोचा कि यार आज मैं भी चाय रस खाऊंगी और बच्चों को भी मैं दूध पत्ती रस वही खिलाऊंगी. तो आज हम सब जो है ना चाय रस खाने वाले हैं. तो लेट्स सी, यहाँ पे सुबह उठते उठते हो जाती है लड़ाइयां शुरू बच्चों की. हम तो अनभी डोर बंद कर देते हैं, रेहान रोता मम्मी भैया ने डोर बंद कर दिया, डोर बंद कर दिया. तो अभी ये बच्चे सो के उठे अभी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी. और ये था कि फटाफट से उठ के काम वाली आई हुई है, तो मैंने कहा यार उठ के काम वगैरह करवाऊं, क्योंकि आपको पता है मेड भी अपनी मर्जी से काम करते हैं जब तक आप उनको सही तरह से गाइड नहीं करते कि यहाँ से करो यहाँ से करो. वो जहां से दिल करता है वहीं से वो काम कर लेते हैं. तो ये था कि जी फटाफट से अपने काम शाम खत्म करते हैं. उसके बाद आज जो मैं अपनी एक लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो है जी बारात के लिए. तो सारा काम करके जरा आप फ्री होके बैठते हैं, उसके बाद आज हम क्रिएट करेंगे अपनी बारात की लुक. और ये उन लोगों के लिए भी है जिनको लाइक सिस्टर्स होती हैं, लाइक फ्रेंड्स होती हैं, कजन्स होती हैं, और जिनको आइडिया नहीं होता कि यार हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, किस तरह के लिपस्टिक लगाएं, नेचुरल सा मेकअप कैसे करें, ड्रेस हमारा डार्क है तो हम मेकअप लाइट कैसे करें, ये सब मैनेज करना होता. तो उसके साथ साथ आज हम ये भी आपको बताएंगे और बहुत सारी टिप्स भी मिलने वाली हैं. तो चले सबसे पहले काम खत्म करते हैं, उसके बाद हम क्रिएट करने वाले हैं अपनी बारात के लुक. सो उसके बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ब्रेक. बच्चों को नाश्ता कराते हैं, खुद भी नाश्ता करते हैं और फ्री हो जाते हैं फटाफट. गुड मॉर्निंग बोलो. पारी देने को तो नहीं काम है. गुड मॉर्निंग. वो है मेरा शहजादा वाला बेटा, ये है मेरी प्रिंसेस, और एक और मेरा जो शहजादा है वो बाहर खेल रहा है. खैर हम अपने बचपन में पता नहीं लड़ते थे नहीं लड़ते थे, बट मुझे अब अंदाजा हुआ कि यार बच्चे बहुत लड़ते हैं. लिटरली एक चीज अगर यहाँ पड़ी भी है उसको कोई यूज नहीं कर रहा, कोई पकड़ नहीं रहा. जैसे ही एक ने पकड़ लिया, लो जी थर्ड पर्सन, और उफ जो लड़ाई पड़ती है ना, तो भाई बच्चों के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने फेस के करने लगी हूँ क्लेंजिंग, क्योंकि जब आपने अपने स्किन के ऊपर मेकअप करना होता है ना, तो उसको अच्छी तरह से पहले आपने प्रेप करना होता है स्किन को. तो हम सबसे पहले अपने स्किन की करेंगे क्लेंजिंग. आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन ले लें, क्रीम ले लें जो आपको सूट करती हो. तो मैं तो ऑब्वियसली मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़्यादा यूज़ करती हूँ. ये डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप अब क्या यूज़ करते हैं. तो ये लोशन लगाया मैंने, ठीक है. अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे और साथ साथ हम करेंगे क्लिनजिंग. इससे हमारी स्किन बहुत नीट हो जाती है, हमारे स्किन के पोर्स जो होते हैं वो बहुत नीट होते हैं. पोर्स खुलते हैं बेसिकली जब आप क्लिनजिंग करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, तो आपके स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं. तो इनको श्रिंक करने के लिए भी बहुत अमेजिंग टिप ये है कि जी आपने वो क्या कहते हैं एलम फटकरी पिंच लेनी है, और उसको आपने डालना है गर्म पानी में, और डिसॉल्व करने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से ना उसे फेस आपने वॉश करना है. तो देखिएगा आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आपके इस फेस के ऊपर जितने भी ओपन पोर्स हैं सारे श्रिंक हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे. और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टिप है, क्योंकि ये मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ. तो आई थिंक मुझे लगता है मेरी बातें करते करते ना आंखों में चला गया. तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से मसाज करना है. यहाँ पे मैंने स्क्रबिंग क्लेंजिंग कर ली अच्छी तरह से. अब हम करते हैं फेस को वॉश. ये हो गया जी हमारा फेस वॉश, अब हम इसको अच्छी तरह से करते हैं. और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा स्क्रबिंग. हम स्क्रबिंग, अच्छा जिनके पास फेशियल की
सहूलत घर पे मैसर नहीं है ना, तो वो होममेड फेशियल कर सकते हैं विद इन 2 to 3 steps. ये मैंने खुद अपना इजाद किया हुआ है. ठीक है, आपने करना क्या है, आपने क्लिनजिंग करनी है. सेकेंड स्टेप आपने करना है स्क्रबिंग. एंड थर्ड स्टेप आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसके अंदर दूध ऐड करना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, फेस पे अप्लाई कर लेना है. आपका फेशियल जैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये मैंने ट्राई किया हुआ है. सम टाइम जब मुझे लगता है कि यार मैंने फेशियल करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बंदा थक जाता है खुद करते करते, तो आप ये 2 to 3 steps के अंदर अपना फेशियल जो है वो कर सकते हैं और रिजल्ट आपको अमेजिंग मिलेंगे. ठीक है जी, हम जब तक करते हैं स्क्रबिंग और 5 मिनट हम करें, 2 to 3 minutes ही आप स्क्रबिंग करें. स्क्रबिंग करनी है आपने अच्छी तरह से और उसके बाद आपने करना है इसको वॉश. यहाँ पे हम लोगों ने अपना सारा फेस क्लीन कर लिया, और अब जब आपको लग रहा हो कि आपके होंठों का कलर जो है वो चेंज है, तो आपने लेना है अपना टूथब्रश और आपने जो पेस्ट लगी रहती थी ना लास्ट पे, सर्कुलर मोशन में आपने ऐसे करके अपने होंठ को करना. और आप देखिएगा डे टू डे आपके लिप्स का कलर कितना चेंज होगा और पिंकिश पिंकिश शेड आना शुरू हो जाएगा. ऐसे करके यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से क्लिनजिंग कर लिया है, स्क्रबिंग कर लिया, उसके बाद स्किन मेरी इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है ना, ये देखें. अब जो आप ओपन पोर्स है उसको हम श्रिंक करने के लिए या तो हम यूज़ करेंगे एलम वाला प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, फिटकरी वाला, अदरवाइज नहीं तो फिटकरी के क्यूब्स बना के आप फ्रीजर में रख लें. जैसे आपको फील हो कि आपकी स्किन थोड़ी खुरदरी सी हो रही है, तो इट मींस आपके ओपन पोर्स खुले में. ठीक है जी, तो आपने फटाफट से एक क्यूब निकालना है, उसकी अच्छी तरह से आपने आइसिंग करनी है फेस की. देन आफ्टर 5 मिनट्स आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट हो जाती है. अब मैंने अपनी स्किन के ऊपर स्क्रबिंग कर लिया, क्लिनजिंग कर लिया, तो मेरे ओपन पोर्स जो है तो ऑब्वियसली वो खुल चुके होंगे. तो मैं इसको 5 to 10 minutes का गैप दूंगी, उसके बाद अच्छी तरह से आइसिंग करूंगी. देन फिर हम जो अपनी बारात की लुक है वो करेंगे क्रिएट. तो आई होप आप लोगों को हमारा जो जो व्लॉग है वो पसंद आ रहा होगा. अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना. और साथ ही साथ ये था कि जी जो आज हम क्रिएट करने वाले हैं ना लुक, ऑब्वियसली आप लोगों को ये देख के बहुत ज्यादा टिप्स मिलने वाली हैं, क्योंकि अगर हम हमारा ड्रेस डार्क कलर का ना, तो हम अपने मेकअप को बिल्कुल नेचुरल सी लुक देते हैं. ठीक है, और अगर हमारी आईज डार्क होती हैं, लाइक हम स्मोकी आईज करते हैं या डिफरेंट जो भी हम शेड लगाते हैं, आप फील हो रहा है कि हमारी आईज थोड़ी डार्क हो गई हैं, आप हमेशा अपने लिप्स को लाइट रखिए. अगर आपको लगता है कि आपके आईज आपकी बिल्कुल लाइट है, इतना शेड ज्यादा डार्क नहीं है, तो आप अपने लिप्स का कलर, लिपस्टिक का कलर चेंज कर सकते हैं. आपको पता है कि ये इन चीजों से हम अपने आप अपनी लुक जो है ना वो बहुत ज्यादा ना अच्छी दिखा सकते हैं. आप ये कह लें कि एक बड़ी मॉडर्न सी लुक आती है. अब वो जमाने चले गए जिसमें आपके पास मेकअप होना चाहिए था, अब वो मेकअप आपने यहां भी लगाना है, यहां भी लगाना है, यहां भी लगाना है, यहां भी लगाना है, वो चीजें, अब वो चीज चली गई, क्योंकि अब वो चीज अच्छी नहीं लगती. तो ऑब्वियसली मेकअप जो है उसका मतलब ये है कि आप अपनी ब्यूटी को इनहेंस करें. ठीक है, मेकअप का मतलब ये नहीं कि जी आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है आप वो सारी की सारी अपने फेस पे लगा लें, जी पता चले हमने मेकअप किया है. अब वो जमाने चले गए, अब वो टाइम चले गए, अब आपने जो मेकअप करना है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 to 3, अगर आपकी स्किन नीट है, आपका कलर फेयर है, मैक्सिमम 3 से 4 चीजों से आप अपने फेस को बहुत प्यारी लुक दे सकते हैं. ठीक है जी, तो गाइस यहाँ पे अब हम लोग ड्रेस वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके साथ ही साथ, क्योंकि ड्रेस के साथ फिर हम अपना मेकअप वगैरह भी शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह अपनी लुक प्रॉपर क्रिएट करने के बाद वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. तो गाइस ये है मेरी ये ड्रेस की शर्ट, शॉर्ट शर्ट, और यहाँ पर ये है जी मेरा लहंगा. लाइक इसके साथ हम अपना आज पूरा मेकअप कंप्लीट करने वाले हैं, और जो लुक जो है वो प्रॉपर जो एक लुक क्रिएट होगी वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि आज की वीडियो बनाने का मकसद ही है कि मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दे सकूं कि जो हमारा मेकअप है वो हम किस तरह से शादी के फंक्शंस में, इवेंट्स में, बारात के इवेंट्स में किस तरह से हम अपने मेकअप को अपने ड्रेस के साथ, अपनी ज्वेलरी के साथ मैनेज कर सकते हैं. तो ये है जी हमारी ज्वेलरी जिसको आज हम इसी ड्रेस के साथ मैनेज करने वाले हैं. तो अभी हम इसको ओपन नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम इसको
ड्रेस के साथ पहनकर अपनी एक प्रॉपर लुक क्रिएट करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, ठीक है जी। ये देखे जी मेरा न्यू हेयर कट, और अब आप लोगों ने ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये मुझको सूट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने करा लिया जी अपना हेयर कट। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेकअप, तो जो लुक हम क्रिएट करने वाले हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ करते हैं शेयर। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी जो फुल लुक है वो कर ली है जी हमने क्रिएट। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े टाइम तक अपनी प्रॉपर फुल ड्रेस के साथ। और ये देखें मैंने अपनी आईज थोड़ी सी डार्क कराई थी तो उसी के साथ मैंने अपने लिप्स थोड़े से लाइट रखे हैं। तो आप देखें लुक कितनी इनहेंस प्रॉपर एक आपके फेस की लुक आ गई है, कितनी मॉडर्न सी शेप आई है। सो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस ये मैंने अपनी फुल लुक जो है ये मेरी हो चुकी है जी क्रिएट। और ये मैंने बेसिकली की नहीं है, करवाई है, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था क्यों ना हम किसी से अपनी लुक क्रिएट करवाए बारात की, और ये सबसे ज्यादा अमेजिंग लुक लग रही है। तो गाइस अब हम क्रिएट करने लगे हैं जी अपनी दूसरी लुक, तो चलें करते हैं स्टार्ट। उसके लिए अपना पहले चेंज करते हैं और फिर मेकअप करवाते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने पहले बारात की लुक क्रिएट की, उसके बाद मुंह शुद्ध होके बालों सालों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई करने के बाद अब हम जो अपनी दूसरी लुक है उसको करते हैं क्रिएट। तो लेट्स सी, और आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो बारात की लुक थी वो टोटली डिफरेंट थी और जो वलीमे की लुक है वो भी टोटली डिफरेंट होगी, लाइक हेयर स्टाइल भी डिफरेंट। और इसको देखने के बाद हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हमने कैसे अपनी ज्वेलरी को कैसे कैरी करना है, हमने ड्रेस के साथ किस तरह की ज्वेलरी पहननी है लाइक, और किस तरह से मेकअप करना है और किस तरह से अपनी लुक हम इजिली क्रिएट कर सकते हैं। और ये इसमें बहुत अमेजिंग अमेजिंग टिप्स और बहुत ही आप कह लेंगे मतलब हम जब किसी दूसरे को देखते ना तो हम बहुत ही इजीली उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और मेरे ख्याल से इजीली जिनको मेकअप का आइडिया होगा जिनको मेकअप की सेंस होगी वो इजीली मुझे कॉपी कर सकती हैं। कॉपी करने के बाद उनको ऑटोमेटिकली इस चीज का अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि यार हम इस तरह के लुक किस तरह अपने आप को दे सकते हैं और किस तरह हम भी अच्छे लग सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वलीमे का जो हम लोगों ने मेकअप करना है उसको करते हैं। यहाँ पर हमारा मेकअप जो था वो हो गया स्टार्ट, और फटाफट से हम लोगों ने अपनी जो वलीमे की लुक थी उसको क्रिएट करवाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, दिन जो है वो ऐसे छोटे हो जाते थे क्योंकि जिन्होंने मेकअप करना था उसके बाद उन्होंने घर भी जाना था। तो बस ये था कि बहुत कम लोग होते हैं जो नीयत से आपका काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला पे यकीन होता है, और बहुत ज़्यादातर मुझसे जिन लोगों का वास्ता पड़ता है वो ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह नियत से ही करते हैं सारा काम भी। और लाइक जो फ्रेंड्स होती हैं या जो भी हैं ये कि बहुत अच्छे अल्लाह ताला की तरफ से एक ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करे। तो गाइस यहाँ पे हमारा फटाफट से मेकअप जो है वो काफ़ी हद तक डन हो गया है, आप देखते हैं बातों की बातों में हमारा मेकअप जो है वो डन हो गया है। और इसके बाद हमारे जो हेयर स्टाइलिंग की बारी आ जाती है, उसके बाद हम लोगों ने मैंने सोचा था वलीमे वाले दिन जो एक लुक थी वो प्रॉपर हमने डिफरेंट करनी थी, इसीलिए मैंने बालों में थोड़ा सा बन या जूड़ा टाइप इसी तरह का करवाया था, क्योंकि फ्रंट पे मेरे पास मैंने कभी भी फ्रंट से स्ट्रेट नहीं करवाया था, तो इस बार मैंने सोचा था कि यार हम लोग फ्रंट से बिल्कुल मांग निकाल के ना स्ट्रेट करते हैं। तो लाइक उन्होंने जिन्होंने रेडी किया था उन्होंने काफ़ी अच्छा रेडी किया था, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इनसे मेकअप कराने के बाद, क्योंकि मुझे इनका मेकअप पसंद आया। और ये था कि यहाँ पे फटाफट से हमारा मेकअप डन होने के बाद, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक ही दिन में दो लुक्स दिखानी थी तो बस उसमें हमें टाइम बेसिकली बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ा। तो ये था, ये देखें आपकी देखी मुझे हमेशा मैंने आई मेकअप कभी भी नहीं कराया, बस मुझे अपना आई मेकअप इस कदर पसंद आया लिटरली। और ये देखें यहाँ तक हमारी जो हेयर स्टाइलिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, फ्रंट से अच्छी तरह से उन्होंने कर्ल्स वगैरह करने के बाद उसी से हमारा जो जूड़ा था उसको बनाया। इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अपना हेयर स्टाइल फर्स्ट डे पे सेकंड डे पे। और ये देखिए ये हमारा फटाफट से जूड़ा कंप्लीट हो जाना है, उसके बाद जो प्रॉपर एक लुक निकलती है वो हम आपके साथ करते हैं शेयर। तो आप लोगों ने हमारे साथ कनेक्टेड रहना है और हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करना है और सपोर्ट भी करना है आपने साथ ही साथ। ये देखे जी टन टन,
ये क्या कर रहे हो मैं? और इसके कुछ सुबह नहीं, इसके भी बना दे। कार्टून है आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता यार। लेकिन दीवार नहीं सी कटे, इधर भी इधर तो आए ना, इधर आए, उधर देख। मैं आपका ये बटन खोलती हूँ, इधर है। तो गाइस ये कर डाले उमैर ने और ये आज हमने क्रिएट किया जी। उमैर फिर खुल गए कल वलीमे की लुक, और आज हमने एक दिन में बारात और वलीमे की दोनों लुक्स क्रिएट किए हैं। और आपने बताना है कि आपको हमारा जो व्लॉग है वो कैसा लगा, और अगर आपका ड्रेस इस तरह फुल हैवी है तो आपने इसके साथ गले में कुछ भी हैवी जो है वो नहीं पहनना। देखिए मैंने बिल्कुल एक लाइट सी चेन पहनी हुई है, और अगर आप नहीं भी पहनते तो भी चलता है। और यहाँ मैंने इयररिंग्स को हैवी किया था लाइक इस तरह, और ये बैक पे मैंने बन जो है इसको बनवाया था ताकि एक थोड़ी सी ना लुक डिफरेंट हो। तो यहाँ बाजू भी मेरे हाफ थे, मतलब क्वार्टर थे, जिसके साथ मैंने ये बैंगल्स को कैरी किया। और ये देखें बिल्कुल लाइट सी ज्वेलरी रखी थी मैंने, और ये था। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और ये देखें आई मेकअप, इनफैक्ट जो ये मेकअप किया है ये मैंने करवाया था, और ये बहुत अच्छा मेकअप किया जिन्होंने किया है। और अगर ये वो ये ब्लॉग मेरा वो देख रही है तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है मेरा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे हम, जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आप ही को बुलाएंगे। और इंशाल्लाह ये देखिए मैं आपको अपना अपनी फुल लुक पे दिखाती हूँ। ये सारा मेरा ड्रेस था, बैक से बिल्कुल टेल है। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर उमैर मेरा कैमरा पकड़ के दिखाते हैं। वेट मोए मोए इधर देख के कौन ना मोए मोए तेरी मेरा बब्बर शेर आ गया। तो गाइस ये देखे रैन भी आ गई है, और ये थी मेरी फुल लुक। मतलब मेरा फ्रंट फुल हैवी था और बेसिकली बैक से ये टेल है, और टेल पे भी सारा काम हुआ है। ये देखिए क्योंकि उमैर ने हमारा कैमरा पकड़ने से कर दिया था इंतज़ार कर रही थी, तो फिर हमने कोई जुगाड़ लगाना था, तो जुगाड़ मेरे सामने नज़र आया कि हम लोग शीशे के सामने जाते हैं और अपना ड्रेस जो है हम वहाँ अपनी लुक दिखा देते हैं। तो जी ये थी मेरी फुल लुक, और ये पूरी जो है हमने की थी जी वलीमे के लिए। और इसको कोई भी इजीली कैरी कर सकता है, और मैंने जो ये बन बनाया इसकी वीडियो भी मैं साथ शेयर करूंगी, और लाइक जो मैंने मेकअप किया है इसकी भी मैं वीडियो साथ शेयर करूंगी। और ये देखें लिपस्टिक का कलर कितना लाइट है, ये देखें एक लिपस्टिक का कलर बहुत लाइट है। बेसिकली ये अब खुलने लगे है ना, तो जो मेरे बाल है उनका अभी बॉम्ब फूट जा रहा है, मेरे बालों में ब्लास्ट हुआ है। ये देखें बेसिकली मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके 22-23 हम इनको खोलेंगे, बहुत स्प्रे किया हुआ है हमने अपने बालों में। और ये था कि अगर आप लोगों को हमारी पूरी लुक पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपने हमारे लुक को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आए तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट भी करना है। वैसे मैं आप तो बताए थे रुकी इधर है, आप ये बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। ये बिस्ती होती है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों की मियाँ भी इतने शदीद वाले सड़गल है।
मेरी आप वीडियो के सामने कह रहे अभी सारा गंद आप खुद उठा रहे थे कि नहीं उठा रहे थे यार आप मामा से प्यार करते हो हाँ नहीं होता जी मामा जी मामा डू यू लव मी रियान डू यू लव मी यस मामा मामा आई लव यू टू Oh, thank you, my dear. So, Tusha, baby, I love you too. I love you, Huan. I love you, Hamdan, Bia. Hum charo se pyar karte hain. I love you, Dada. Kaise hai, Dhyan? Bolo. Dekho, I love you, Dada. Bolo, idhar dekhe bolo. Idhar dekhe bolo. Rehna ko chodo, idhar dekhe bolo. I love you, Dada. Bolo. Bolo. लो जी हुरैन कर दिए जी कंगी हुरैन कंगी करो ओह क्या खूबसूरत उसने बालों में फंस जाएगा ब्रश पुत्री ब्लू ड्राई वाला ब्रश है ओह चलो जी चलो ये लो जी कंगी हो गई चलो रियान एक पारी दे दो मामा को मामा ऐसी प्यारी लगती है कि मामा वैसे प्यारी लगती है बताओ मामा कैसे प्यारी लगती है बताओ बताओ मम्मा कैसे प्यारी लगती है ऐसे कि वैसे ये रियान ने मामा की कर दिया जी खुल्लम खुल्ली बिस्ती तो गाइस बच्चों ने कर दी मामा की बिस्ती और मामा ने फिर भी किया इग्नोर क्या करें बच्चे छोटे हैं बड़े होंगे तो उनको पता चलेगा ओह नो ओह लो जी यार ब्रश फंस गया मामा के बालों में छोड़ दे मम्मा के हेयर में ब्रश जो था टैंगल्स पड़े हुए निकलना नहीं है ब्रश फिर हमें बाल काटने पड़ने हैं ऑलरेडी मजीद हमने कटवा लिए हैं चेक करें जी देखिए हमारे बाल हमने दो दिन लुक क्रिएट करनी थी तो मैंने सोचा बल्कि हमने जो एक दिन में हमने दो लुक्स क्रिएट करनी थी ना उसके लिए हमने कराई थी जी कटिंग फ्लेयर्स और ये देखें अभी भी कर्ल्स पड़े हुए हैं क्योंकि हमने एक ही कल से पहले कल्स किए फिर उसी से हम हेयर स्टाइल चेंज करके जुड़ा किया लाइक एक ही दिन हम लोगों ने ये दो लुक्स क्रिएट किए आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी जी क्या हुआ तो गाइस इसी के साथ साथ हम अपना ब्लॉग जो है वो यहीं पे करते हैं एंड तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहें दूसरों को खुश रखिए और मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़